बढ़ जाएगा, क्या बोल रहे मौलाना, मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे समझ में पत्ता भी बात बात क्या जाहिल, इस्लाम के बारे में बात कर रहा, क्या बताना चाह रहा तू? देखिए जो भी मैंने अपनी डिबेट में कोट किया था वो मैंने एक धर्म के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से कोट किया था। अगर मैं गलत हूँ तो कृपया करके कोई लर्नेड क्लेरिक आए, कोई लर्नेड मौलवी जिनको पता है, इस्लामिक स्कॉलर आए और मेरी बात को गलत ठहरा दे कि ये फैक्चुअली स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की उसमें से मुझे लगातार कल से मेरे साथ बलात्कार, मेरे परिवारजनों के साथ बलात्कार, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा और मेरी परिवार जनों की मतलब सर धड़ से अलग करने की ऐसी धमकियां आई जा रही हैं। नमस्कार, धर्म या धमकी की पॉलिटिक्स के बारे में बात करने आया हूं। अभी अभी ताजा मसला सामने है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को धमकी मिल गई है सरतन से जुदा का, और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, बदला भी हुआ है कि बहस शुरू हो गई है। ये जो अल्लाह को मानते हैं, नबी को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह से डरो, और चूंकि अल्लाह से डरो तो डराओ भी, वो फंडामेंटल से उनका जड़ में है। बात बदली है, सालों से सदियों से एक ही अल्लाह है, बाकी कोई नहीं है, सिर्फ इस्लाम है, बाकी धर्म बेकार हैं, ये उनकी प्रीचिंग है। और उससे जब आजकल टीवी बहस में होता है तो वो लोग ये भी कहते हैं तुम्हारा धर्म तुम्हारा, मेरा मेरा, कोई एक दूसरे को कुछ ना कहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कौन तय करेगा कि शिवलिंग को फब्बारा कह के और कई तरीके से गंदी गंदी बातें कही गई हैं शिवलिंग के ऊपर, वो ब्लास्फेमी बड़ा है या नुपुर शर्मा जो किया है, जो उनके टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वो ब्लास्फेमी बड़ा है। बात हुई नुपुर ने अभी दो चीजों की बात की, तीन चीजों की, अर्थ फ्लैट की, उड़ने वाले खोते की, और हजरत आयशा की 9 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद का डिंग डोंग। ये वो ऐसी हरकतें हैं जो रसूल अल्लाह की बोंगियां हैं, इस्लाम की बोंगियां हैं, इनके ऊपर लोग बात नहीं करते थे। अब जमाना बदल गया, अब सलमान रुश्दी वाला जमाना नहीं है, अब आप लोगों के सरतन से जुदा एक आधे के कर भी देते हैं तो एक की जगह 10 मजीद निकल आते हैं। आपने किसी को साहिल की जान को खतरा है, लेकिन अगर साहिल को कुछ हो भी जाता है आपको क्या लगता है कि इस तरह लोग डर जाएंगे? ये अब डरने वाला मामला नहीं है, अब बल्कि बहुत ज्यादा गंदा काम होगा। आपको ऐसा भी नजर आ सकता है कि मुहिमें चलेंगी पूरी दुनिया में। पहले कुछ की कोशिश की यूरोप में, उन्होंने ड्रॉ कार्टून डे हजरत मोहम्मद के कार्टून बनाने वगैरह वाले ये सारे उन्होंने, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आप जितना उनको, जितना लोगों को वायलेंस की धमकियां देंगे, अब ये दुनिया वो वैसी नहीं है। ये लोग तय करेंगे, लेकिन मैं ये कहने के लिए आया हूं कि बात बदली है, बहस शुरू हो गई है। आप जब दूसरे के धर्म को, दूसरी की आस्था पर प्रहार करते रहेंगे तो रिएक्शन एक ना एक दिन होगा और आपके अंदर से ही होगा। यही प्रॉब्लम है कि हम मुसलमान जो है वो सुनने के लिए रेडी नहीं होते, और ये बहुत गलत मैसेज जो है लोगों में जाता है। सुनना चाहिए, आप रेफरेंसेस लीजिए, उसके बाद अगर कुछ गलत है तो उसको काउंटर करिए। थोड़ा रुक जाइए, आप भी तो बैठे, आप काउंटर कीजिए। उन्होंने जो पिछला कहा आपने खुद कहा कि ये है, काउंटर कीजिए अपने वक्त में। ये मुर्तद को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करे। अरे क्यों? मैं कह रहा हूं आपसे, क्यों? ये मुर्तद है, ये मुर्तद है, इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करे। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर शिवलिंग के सबूत मांगने के लिए आप लोगों का हक है और वो व्यक्ति उस पर नहीं बोल सकता? अरे भाई गलत बोल रहे तो आप काट दीजिए। मुर्तद है, नहीं सुनते इसकी बात। आप क्या करना चाह रहे, इस्लाम के खिलाफ बिठाते हैं? इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है सर? बढ़ जाएगा, क्या बोल रहे मौलाना, मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे समझ में पत्ता भी बात बात क्या जाहिल, इस्लाम के बारे में बात कर रहा, क्या बताना चाह रहा तू? हदीसों में बात कर, हदीस में मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, हदीसों पे ऐतराज कर रहे हैं। अगर सरकार बदिया पे आया गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? मुर्दा जा तू, तेरा इस्लाम का ताल्लुक क्या है? मैं जो लिखा है वो बता रहा हूँ। अरे चुप, मुर्दा जा तू, चुप, बात कर रहा हूँ,
सरकार मदीना पे आया तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा मैं बात कंप्लीट कर दूं अपनी। चुप, कुछ ना बोल सकता तू। क्यों नहीं बोल सकता सर वो? अगर वो गलत बोलेंगे आप उसको काउंटर कर दीजिए कि गलत बता रहे हैं आप सही प्रचार के लिए। अरे ऐसे के खिलाफ क्या बोलना चाह रहे? अरे मुझे ये एक मिनट जरा, एक मिनट कादरी साहब थोड़ा शांत होइए। पहले आप थोड़ा शांत होइए। आप पहले थोड़ा शांत होइए। आप पहले थोड़ा शांत होइए। अब आप वहां बैठ के डिबेट बंद करा दीजिए। प्रचार कर रहे तुम। मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए अली कादरी, मुझे थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप जो कर रहे हैं इससे और गलत इंप्रेशन जा रहा है। आप शांत होइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ऐसे मुझे ये बताइए, इस्लाम के खिलाफ साजिश है ये। मुझे मैं कोई डाटा दे रहा हूँ, मेरे साथ बस 5 मिनट बने रहिए। ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, फैक्ट आपके पास रखने वाला हूँ। देखिए ये एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरी दुनिया में, क्यों है भाई? ये कहाँ से आए? ये क्या कर रहे हैं? छाए पड़े हैं। अब किसी भी एक्स मुस्लिम को उठाइए, उनको सुनिए और देखिए फिर इस्लाम क्या है, और अपने तरीके से भी सोचिए। सेंट्रल काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम फाउंडेड इन 2007 में जर्मनी में पहला एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बना, नाम था सेंट्रल काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम्स। काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम ऑफ ब्रिटेन उसके बाद भी तुरंत फटाक से बना 2007 में ब्रिटेन में। काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम्स ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में भी है काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम्स। एक्स मुस्लिम्स ऑफ नीदरलैंड भी है, एक्स मुस्लिम्स ऑफ आयरलैंड भी है। आयरलैंड का में जो है एक्स मुस्लिम्स ऑफ आयरलैंड 2018 में बना। एक्स मुस्लिम्स ऑफ जॉर्डन ये भी 2018 में बना। और एसोसिएशन ऑफ एथिसिज्म, एथिस्टों का ऑर्गेनाइजेशन टर्की में बना 2014 में। ये पहला फर्स्ट लीगल एथिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ एथिसिज्म टर्की में है 2014 में बना। एसोसिएशन ऑफ एक्स मुस्लिम ऑफ स्विट्जरलैंड, काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम ऑफ फ्रांस 2013 में बना। फ्रांस सुने होंगे ना, अभी कितनी सारी कहानियां बन गई थी, पैगंबर साहब की तस्वीर बना दी थी, उसकी गर्दन काट दी तो फिर उसने ये कर दिया, फिर पूरा पत्रकार के दरबारों की गर्दनें काट दी, फिर वो लोग झुके नहीं, फिर कानून बनाए, चल रहा है। मतलब कि काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम सिंगापुर 2012 में बनाए, 22 चल रहा है, 10 साल हो गए। काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम ऑफ श्रीलंका में भी है, अभी 2016 में बना। एक्स मुस्लिम ऑफ केरला जो भारत में है 2019 में बना। और यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि वो जनवरी 9 को हर साल एक्स मुस्लिम डे भी मनाते हैं। तो जो भारत के जो तथाकथित नेता लोग हैं, मुसलमान नेता है, देवबंदी हैं या बरेलवी हैं या जो भी हैं, जो हदीस में कुरान में आस्था रखते हैं, उन्हें नुपुर शर्मा जैसे किसी खास को एक को सरतन से जुदा करने से उनका काम नहीं बनेगा। उन्होंने जैसे कि कमलेश शर्मा को सरतन से जुदा किया था, बात रुकी क्या? आपको एक और बता दूं कि जो आज की तारीख में सब जानते होंगे साहिल, एक्स मुस्लिम्स का एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, लंबी चौड़ी कतार है, और वो बड़ी मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। साहिल हैं, समीर हैं, सच वाला है, गालिब है, अमीना सरदार जी हैं, कालीदासी हैं, हैरी सुल्तान है, परवीना पूजा उपाध्याय हैं, महलीज सरकार है, और पाकिस्तान का मंगल मुगल खयाम है। मतलब इतने सारे हैं, सैकड़ों हैं, आप नाम लेते चले जाइए, खत्म नहीं होने वाला है। तो ये सर तन से जुदा अगर करना चाहते हैं तो एक दो को करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें कुछ करोड़ को करना पड़ेगा, या उन्हें ये बात माननी होगी कि जब तुम किसी दूसरे की धर्म को, दूसरे की आस्था को गाली दोगे, कहोगे सिर्फ तुम्हारी आस्था ही अल्टीमेट है, अकेले है, और उसको डिफेंड करने के चक्कर में लोगों को सर से सरतन से जुदा करने लगोगे, तो ये दिन देखने पड़ेंगे। लोग डरते रहे हैं। वो जाकिर नायक जब खुलेआम को गाली दे रहा था तब तो कोई नहीं आया उसको कहने के लिए कि भाई तुम क्या कर रहे हो। आज कुलबुलाहट, आज बेचैनी हो रही है, हो रही है, क्योंकि वो मुसलमान जो मुसलमान थे, बहुत बड़े मौलवी थे,
आज एक्स मुस्लिम बने हैं और तर्कों के साथ आते हैं, बताते हैं, और आज भी जो कट्टर मुसलमान है पागलों की तरह टीवी मीडिया में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, धमकी देते हैं और सुनिए ना, हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारा को देख रहा, हिंदुस्तान का मुसलमान, तो आप धमकी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान देख लेगा, तुम्हारा को हिंदुस्तान का मुसलमान मैं क्या देख लेगा तरीके से, आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम जो है ये सिखाता है क्या, आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे, गलत प्रचार नहीं करना, नहीं गलत प्रचार के लिए, अगर गलत प्रचार करना होता तो आपको नहीं बुलाते, आप उसको काउंटर कर रहे हैं, प्रचार नहीं होगा, मुझे ये बताइए ऐसे लोगों को इस्लाम पर बोलने का कोई हक नहीं है, इस्लामिक स्कॉलर बोल सकता है इस्लाम पर। मेरा बस इतना कहना है कि जो एक्स मुस्लिम्स हैं, जो एथिस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, जो पूरी दुनिया में हैं, समय आ गया है कि उनको भी सुने, आप अपने में रिफॉर्म करें। ये प्रिंस सलमान आज का हीरो हो गया है, उसको भी मुसलमान माने क्योंकि वो रिफॉर्म करने जा रहे हैं। नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा है उससे हजार गुना ज्यादा एक्स मुस्लिम्स कह रहे हैं, साहिल कर रहे हैं, समीर कर रहे हैं, तर्कों के साथ कर रहे हैं, हदीसों के साथ कह रहे हैं, उन सब का सर काटेंगे, सरतन से जुदा करेंगे या इस्लाम क्या है समझाएंगे, इस्लाम की अच्छी बातें बताएंगे। और ये भारत जो 1947 में बटा, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, पाकिस्तान बना, इस्लामिक मुल्क बना, ये हिंदू देश क्यों नहीं बना? और जो मुसलमान जो यहां रह गए उनका चॉइस था, इसलिए चॉइस था कि वो हिंदुओं को गाली दें, उनके मंदिरों को वापस ना दें, उनके लिए इनकलाब करें और सरतन से जुदा करते रहें। जब शिव मंदिर को फब्बारा कहोगे और गंदी गंदी गालियां दोगे तो जवाब में सुनना भी पड़ेगा, और ज्यादा बड़ा ब्लास्फेमी क्या है यह भी तय करना पड़ेगा। अल्लाह के खिलाफ कुछ बोलता है तो बहुत बड़ी बात है, उसका सर जो है तन से जुदा हो सकता है, तो जो भगवान के खिलाफ बोलता है, मंदिरों के खिलाफ बोलता है, उसके साथ क्या होना चाहिए, ये बहस भी होनी चाहिए। नहीं तो डेमोक्रेटिक नेशन है, डिस्कशन का सबको अधिकार है, बहस करो, रिफॉर्म करो, आगे आओ, साथ रहो। हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति का ये देश भारत है और इसे बनना है, इस बात को सारे मुसलमानों को भी स्वीकार करना होगा, और आज नहीं कल तो स्वीकार करेंगे। उनकी धमकियां का असर अब नहीं होता। ये छोटा सा राष्ट्रवादी चैनल है, हम भी खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। अब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस।